कांग्रेस को सता रही ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका, हरीश रावत ने दिया बयान, कहा ईवीएम से छेड़छाड़ कर सकती है बीजेपी। उत्तराखंड कांग्रेस संगठन की कल होगी बैठक, बैठक में गणेश गोदियाल रहेंगे मौजूद, चुनाव के बाद लिया जाएगा फीडबैक। बीजेपी के 80 नेताओं को सौंपी गई यूपी चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने उठाए सवाल, कहा जनता और विपक्ष को बेवकूफ बना रही बीजेपी। उत्तराखंड के चंपावत में हुआ दर्दनाक हादसा, खाई में वाहन गिरने से 14 की हुई मौत, पीएम मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं देवभूमि का मेगा बुलेटिन अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उधम सिंह नगर में, कांग्रेस को ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की आशंका सता रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी एक बयान में कहा है कि बीजेपी ईवीएम से छेड़छाड़ कर सकती है। इसको लेकर खटीमा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ से रुद्रपुर में बने स्ट्रांग रूम की देखरेख के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता की ड्यूटी लगाई गई है। हम यहाँ 6 लोग हैं जो कि अपना शिफ्ट वाइज रुकते हैं, कोई रात में रुकता है, कोई दिन में रुकता है, और हमें तकरीबन 4-5 दिन हो चुके हैं जब से इलेक्शन ख़त्म हुआ है, तब से हम यहीं हैं। कारण यह है कि ये जो हमारी मशीनें हैं ईवीएम यहाँ रखी गई हैं विधानसभा 70 की, और हमें डर है कि कहीं ईवीएम में कोई घपलेबाजी ना हो, इस कारण से हम लोग यहाँ पर हैं और निगरानी अपनी पूरी ईवीएम पर बनाए हुए हैं ताकि कोई अंदर ना जाए। हम हैं 6 लोग हैं और बाकी अभी और आने वाले हैं लोग, और यहीं के लोकल के भी 4 लोग हैं जो कि ऊपर वाली तरफ से निगरानी बनाए हुए हैं वहाँ से। सर, इसका कारण यही है कि हमें बिल्कुल, हमारा ना जो हम चुनाव के दौरान देखते गए आचार संहिता का जिस प्रकार से उल्लंघन होता रहा, तो हमारा मतलब प्रशासन या किसी भी चीज़ से मतलब विश्वास उठ चुका है और हमें खुद यहाँ पर आके बैठना पड़ रहा है। विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब कांग्रेस अपने चुनावों पर फोकस करने जा रही है। कल राजधानी देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की मौजूदगी में एक बैठक होगी। पार्टी के पीआरओ जीसी चंद्रशेखरन ने इस बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस में ब्लॉक स्तर से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर तक के चुनाव होने हैं, इसको लेकर आप पार्टी पूरी तरह से सक्रिय हो रही है। राजधानी देहरादून में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में इस बैठक में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। इस बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से चुनाव के बाद का फीडबैक भी लेंगे। सर, कल संगठन की अहम बैठक है, क्या उस बैठक में रहने वाला है? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा संगठनात्मक चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया गया है और ब्लॉक लेवल से लेकर राष्ट्रीय स्तर अध्यक्ष जी के स्तर तक संगठनात्मक चुनाव होने हैं। उस सिलसिले में कल उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी की बैठक है जिसमें हमारे पीआरओ महोदय जीसी चंद्रशेखरन साहब उपस्थित रहेंगे और संगठन के चुनाव की समीक्षा भी करेंगी और सदस्यता अभियान हमारा किस स्तर तक पहुंचा है उसकी भी समीक्षा करूंगी। क्योंकि चुनाव गतिमान है इसलिए ये बैठक आवश्यक है। हमने इस बैठक में सारे तो ही उत्तराखंड बीजेपी के लगभग 80 नेताओं को उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है जिस पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि खुद उत्तराखंड के चुनाव में तो भाजपाई मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे थे, उन्हें ना अपने चेहरे पर और ना अपने कामों पर विश्वास था और अब जनता और विपक्ष को बेवकूफ बनाकर उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रचार प्रसार की ड्यूटी लगाए जाने की झूठी अफवाह फैला रहे हैं। यहाँ उत्तराखंड में तो चुनावी वेतरणी पार लगाने के लिए मोदी के नाम का सहारा लेना पड़ रहा है उत्तराखंड के भाजपा के लोगों को, और उत्तर प्रदेश जा रहे हैं वहाँ के प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए। आपको उत्तर प्रदेश में जानता कौन है, पहचानता कौन है, आपके चेहरे के पर वोट कौन देने वाला है उत्तर प्रदेश में? या फिर आपने ऐसे ही कोई सत्कार्य किए होते यहाँ उत्तराखंड के अंदर, कोई मील के पत्थर साबित किए होते जहाँ आपको वोट मिलता, यहाँ आप निठल्ले साबित हुए, निष्क्रिय साबित हुए, तो वहाँ उत्तर प्रदेश की जनता को बेवकूफ़ समझा है क्या आपने कि यहाँ आप मोदी के नाम का, और आप ही नहीं, आम कार्यकर्ता नहीं,
धन सिंह रावत मंत्री अपने वहाँ ये कहते हुए देखे गए विधानसभा क्षेत्र में कि मोदी जी को वोट दो, कमल के फूल को वोट दो, यानी कि अपने चेहरे पर और अपने कामों पर अगर काबीना मंत्रियों को भरोसा नहीं है तो ऐसे में उत्तर प्रदेश जाकर ये 70-80 लोग करेंगे क्या, घुइयाँ छिलेंगे या मूँगफली छिलेंगे, इससे ज़्यादा इनके बस का और कुछ है भी नहीं। देखिए, कांग्रेस को मुझे लगता है कि अपनी स्थिति के बारे में विचार करना चाहिए। जिस प्रदेश में कांग्रेस की संख्या दहाई में भी आने की संभावना नहीं है, जहां की 400 से अधिक सीटें हैं, और वहां अगर कांग्रेस दहाई में भी आने की स्थिति में नहीं है और वो भारतीय जनता पार्टी पर टिप्पणी करे तो अपने बारे में विचार करना चाहिए। उनकी सबसे बड़ी नेता प्रियंका गांधी जी कहती थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, हिम्मत नहीं कर पाई किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की। तो वहीं दर्शकों, उत्तराखंड के चंपावत में बड़ी अनहोनी हो गई है। चंपावत जिले के डांडा क्षेत्र में बारात से लौट रहा एक वाहन खाई में गिर गया, जिसमें 14 बारातियों की मौत होने की सूचना है। चंपावत से करीब 65 किलोमीटर दूर एक स्थान पर एक परिवार में शादी थी, जहां ये सभी लोग शामिल होने गए थे। हादसे की सूचना के बाद पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, 13 शवों को खाई से बाहर निकाला गया। दुर्घटना में करीब गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तराखंड के चंपावत में हुई दुर्घटना हृदय विदारक है, इसमें जिन लोगों की मृत्यु हुई है मैं उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री ने जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। पौड़ी के राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर दुगड्डा गुमखाल के बीच में एक कार दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में जा गिरी। दुर्घटना में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया है, जहां पर उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर कोटद्वार रेफर किया गया। वहीं पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखिए, अभी जो हमको अभी तक मेरी जो संज्ञान में आया है वो ये आया है कि कुल 5 लोग ऐसा हुआ है जिसमें कि 3 लोगों की मौत हुई है और 2 लोग जख्मी हैं। दोनों जख्मी अस्पताल में आ चुके हैं, इमरजेंसी में उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है और जो स्पेशलिस्ट सर्जन हैं, सर्जन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, सबको बुला लिया गया है, टीम को बुला लिया गया है, उनका मैनेजमेंट किया जा रहा है। जो 3 लोगों की डेथ हुई है जिसके बारे में कहा जा रहा है उसको अभी हम तहकीकात कर रहे हैं कौन लोग हैं, तब हम उनके पीआई भेजेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट बॉडी को सीधे पीएम हाउस ले गए हो। मुनिकीरेती थाना क्षेत्र में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर ब्रह्मपुरी के पास एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को एम्स ऋषिकेश में इलाज चल रहा है। मुनिकीरेती थाना निरीक्षक रितेश शाह ने बताया कि पुलिस को एक कार के ब्रह्मपुरी के पास खाई में गिरने की सूचना मिली थी। सूचना पर तुरंत SDRF और पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंचे और रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया है। लक्सर में SDM वैभव गुप्ता ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर खाद्य सामग्री की गुणवत्ता ठीक न होने की शिकायत पर निरीक्षण किया। SDM वैभव गुप्ता ने बताया कि एक व्यक्ति की तरफ से यह शिकायत की गई थी कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो खाद्य सामग्री वितरण की जानी है उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। उसी कड़ी में उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्र भूरना का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि वहां से खाद्य सामग्री का सैंपल ले लिया गया है और उसे खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पास भेजकर उसकी रिपोर्ट ली जाएगी। अगर खाद्य सामग्री की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी पाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाएगी। व्यक्ति द्वारा ये शिकायत की गई थी कि आंगनबाड़ी केंद्रों में जो खाद्यान्न सामग्री वितरित की जा रही है उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है, तो इसी क्रम में आज आंगनबाड़ी केंद्र भुरना का निरीक्षण किया गया। तो वहाँ पर जो खाद्य सामग्री का सैंपल है वो ले लिया गया है और वो खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भेजकर वहाँ से उसकी रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी। यदि उसमें पाया जाता है कि गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी है तो संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
तो वहीं दर्शकों, लक्सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जी हाँ, तो वैक्सीनेशन को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए लक्सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में NHM और आशा वर्कर्स को बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं, लक्सर की तस्वीरें हैं जहां पर आशा बहुओं को और NHM कार्यकर्तियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है वैक्सीनेशन को लेकर। तो वैक्सीनेशन को लेकर अब लक्सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। NM बहन जी को और आशा फैसिलिटेटर को हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसमें जो है 7 मार्च से मिशन इंद्रधनुष एक प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिसमें आशा वर्करों के द्वारा घर घर सर्वे हमने करवा लिया गया है और उसमें ड्यू लिस्ट बनाई जा रही है आशा के माध्यम से, और उसमें जो छूटे हुए बच्चे हैं, जो लेफ्ट आउट हैं, ड्रॉप आउट हैं या मना करने वाले बच्चे हैं, उनको मतलब उन्हें प्रोत्साहित करके उन्हें जो है सेंटर तक लाना है और उन्हें वैक्सीनेशन 100% वैक्सीनेशन कराना है। में ये हमारा मिशन इंद्रधनुष का प्रोग्राम चल रहा है, जो हमारे 7 फरवरी, 7 मार्च और 7 अप्रैल को एक हफ्ते के लिए चलेगा। इसमें जो बच्चे हमारे ड्रॉप आउट हैं, जिनको एक इंजेक्शन लगा है, दूसरा इंजेक्शन किसी कारणवश वो नहीं पहुंच पाते, बीमारी अन्य कारण से नहीं लगा, तो उन बच्चों को चिन्हित करना, और जो बच्चे घुमंत हों, लेफ्ट आउट जिसको बोलते हैं हम लोग, कि कोई भी इंजेक्शन नहीं लगा, उन बच्चों को भी हमें चिन्हित करना। डोर टू डोर सर्वे हमारी आशाएं कर रही है आंगनबाड़ियों के सहयोग से, और पूरे जिले में सघन अभियान चल रहा है जिसकी कार्य योजना है, और हमारे यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है। आज मुनि की रेती थाना पुलिस और SOG की टीम ने एक नशे के सौदागर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 800 ग्राम चरस बरामद किया गया है। मुनि की रेती थाना पुलिस के अनुसार लगातार नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को सफलता मिली है। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को जेल भी भेज दिया है। तो मुनि की रेती थाना क्षेत्र की तस्वीरें, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान जो चला रही थी, उसके अंतर्गत गिरफ्तारी की है। एक नशे के सौदागर को गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से 800 ग्राम चरस को बरामद किया गया है। तो मुनि की रेती थाना पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है, जहां पर एक नशे के सौदागर को गिरफ्तार किया गया है, उसके कब्जे से 800 ग्राम चरस भी बरामद की गई है। खबर जसपुर से। एक तरफ जहां खनन माफिया क्षेत्र में सक्रिय है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी अवैध खनन पर लगाम लगाने के हर सफल प्रयास कर रहा है और अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत धर्मपुर गांव में पुलिस ने अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए एक JCB मशीन और मिट्टी से लदे डंफर को सीज कर दिया, जिसके बाद से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जसपुर की तस्वीरें हैं, जहां एक तरफ अवैध खनन में लिप्त लोग भी एक्टिव हैं, तो वहीं पुलिस भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। तो ऐसे में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने JCB मशीन और डंफर को जब्त किया है। गतपुर में अवैध खनन करते हुए एक JCB खनन कर रही थी और एक डंपर में मिट्टी ले जाया जा रहा था, दोनों वाहनों को सीज कर दिया गया। कार्रवाई की जाएगी? हाँ, जसपुर क्षेत्र में अगर कहीं हमारे थाना क्षेत्र में कहीं भी अवैध खनन होगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लगातार चेकिंग चाह रही है, नदियों में खनन कहाँ पर अवैध खनन नहीं होने दिया जाएगा। ऋषिकेश कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत रोडवेज बस स्टैंड के पास पाली ऑटो इलेक्ट्रिकल्स की दुकान में चोरी का मामला सामने आया है। अज्ञात चोरों ने दुकान के पीछे लगी टीन को काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकान के अंदर रखी करीब 3 दर्जन वाहनों की बैटरी चोर चुरा कर ले गए, जिनकी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपये बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। तो 9 बजे करीब हम दुकान बढ़ा के गए, उसके बाद अब सुबह आके देखा तो यहाँ शटर उठाया तो पीछे से वो ताला तोड़ वो फाड़ के दुकान का और वो करके वो सब निकाल दिए थे। बैटरी बूटी थी तो 30-35 के आसपास बैटरी थी, वो सब ले गए छोटे उसमें। कितने तक की बैटरी रही होगी? 2 से 2.5 लाख के आसपास का नुकसान है। वो पुलिस को इन्फॉर्म कर जाओ। अभी पुलिस के चौकी में गए थे, पुलिस से हुई है, आए थे, उन्होंने इंक्वायरी किया, लेकिन अभी तक उसमें हुई है, CC कैमरे में उन्होंने चेक किया है तो छोटे हाथी में भर के ले गए, वो दिखते हैं। पहले भी हुई थी 2013 में भी हुई थी चोरी, उस टाइम पे और ज़्यादा नुकसान था। अब तो उत्तराखंड में संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए ऋषिकेश का जयराम आश्रम आगे आया है। किस प्रकार संस्कृत भाषा को संरक्षित किया जाए, इसके लिए आश्रम में 1 दिवसीय संस्कृत संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जयराम आश्रम के परमानंद अध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी महाराज
उत्तराखंड सरकार में संस्कृत शिक्षा विभाग के अपर सचिव रमेश कुमार और मुनेश्वर वेदांत महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जनार्दन कैरवान ने हिस्सा लिया है। संस्कृत अकादमी पूरे हिंदुस्तान में अपनी तरफ से एक अभियान चलाई हुई है, छोटे बच्चों से लेकर के 12वीं क्लास तक के बच्चों को किस तरह से संस्कृत भाषा बोलनी चाहिए, किस तरह से भाषा आनी चाहिए। जिस बच्चे को संस्कृत भाषा आएगी वो संस्कार युक्त होगा। संस्कृति संस्कार तभी आ सकते हैं जब उसको संस्कृत भाषा का ज्ञान होगा मिलता है। संस्कृत भाषा को रोजगार से भी जोड़ना हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया का रुझान हिंदुस्तान की संस्कृति की तरफ रहता है। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए मुख्य चीज़ क्या है, जो हमारी छोटी छोटी परीक्षाएँ होती हैं, चाहे वो बाबू की हो, चाहे वो बड़े अधिकारियों की हो, चाहे लोक सेवा आयोग की हो, उसमें इसका एक पेपर रखा जाएगा। अगर इसका पेपर रखा जाएगा तो इसका निश्चित रूप से प्रचार प्रसार होगा, बढ़ावा होगा। संस्कृत भाषा को लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, और संस्कृति संस्कृत अपने ही आप में एक बहुत अच्छी भाषा भी है। उत्तराखंड शासन ने उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक विजलवाण पर सरकारी धन के दुरुपयोग और गबन के आरोप संबंधी प्रकरण में विशेष जांच दल का गठन कर दिया है। इसको लेकर उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ सुभाष गौड़ ने खास बातचीत की दीपक विजलवाण से। सुनिए क्या कुछ कहा है दीपक विजलवाण ने। यमुनोत्री विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी दीपक बिजवान जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि जीत को लेकर कितने अस्वस्थ वो नज़र आ रहे हैं। बिजवान जी, सबसे पहले तो ये कि आपने तैयारी की और नज़र भी आया, लेकिन क्या लगता है इस बार कांग्रेस का झंडा उस विधानसभा में चलेगा? बिल्कुल, यमुनोत्री विधानसभा कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक मतों से जीतने वाली है, और इसके लिए मैं यमुनोत्री विधानसभा के नागरिकों का, वहाँ के मतदाताओं का धन्यवाद भी करता हूँ। क्या लगता है सर, जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान पे थे, तो लगता है कि कुछ स्थिति बदलेगी कुछ? मैं ये मानता हूँ कि यमुनोत्री विधानसभा में कांग्रेस पार्टी जीत रही है, और सभी चीज़ों को लेकर मेरा ये कहना है कि 10 मार्च का दिन है और सभी लोगों के सामने रिजल्ट पेश भी हो जाएगा। 10 मार्च के लिए दिन अब 18-19 दिन बचे हैं, सबको पता भी चल जाएगा, और हम जो कह रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं, उसी दावा की जो पुष्टि है वो 10 मार्च को होने जा रही है। सर, एक बड़ा गंभीर आरोप भी आप पे लग रहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष थे आप, तो कुछ गड़बड़ी की गई, जिस पर DM ने रिपोर्ट में लिखा भी कि कुछ लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ी, उसका जांच के आदेश आए और अब SIT जांच के लिए कहा गया। क्या लगता है कि SIT जांच में कुछ निकल पाएगा? देखिए, DM ने जांच करी, उसके बाद कमिश्नर ने जांच करी, उसके बाद शासन ने जांच करी, तो सभी जांचों में अपन को क्लीन चिट मिला है और जिला पंचायत अध्यक्ष को कहीं पर भी दोषी नहीं पाया गया है। अब SIT जांच भी इस समय करने का, आप समझ रहे हैं, ये सब प्रेशर पॉलिटिक्स है कि जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक विजलवाण, जो कि यमुनोत्री में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में मैंने काम किया, तो ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है कि ये व्यक्ति चुनाव जीत रहा है तो हम इसे प्रेशर में किस तरह से ले सकें। लेकिन ये सब मैं ये मानता हूँ कि SIT जांच का भी स्वागत है, और कुछ और जाँचें भी अगर ये कर सकते हैं तो उसका भी स्वागत है। जाँचों को लेकर मेरा मन में कोई बात नहीं है, जाँचें होनी एक संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत की चीज़ें हैं, वो होनी चाहिए, और मेरा उनमें पूरा सहयोग रहेगा। और जिस तरह से इन्होंने कमिश्नरी जांच में अपनी तसल्ली कर ली है, ऐसे SIT जांच में भी अपनी तसल्ली करवा लें, और जब तसल्ली हो जाए तो मामला न्यायालय में भी है, तो न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय इसको बड़ी गंभीरता से देख रहा है, और मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला है। जांच में SIT की जांच जब भी करेंगे तो उसमें भी खुद सरकार को और जनता को भी पता चल जाएगा कि जो कमिश्नरी जांच में इसको क्लीन चिट मिला है वो SIT जांच में भी मिलेगा। अच्छा सर, एक बड़े सवाल ये है कि जांच लगातार हुई, पहले ये DM के स्तर पर की गई, फिर ये कहा शासन स्तर पर, कमिश्नर स्तर पर, अब SIT कराई जा रही है, और मांग तो ये की जा रही थी कि CBI जांच कराई जाए, तो ऐसा क्या है कि आखिरकार इतनी जांचों के बाद भी संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं, उसके बाद भी जांच आगे बढ़ाई जा रही है? देखो, SIT तो अभी करेंगे, CBI के लिए भी इनको मन में हो तो करें, और भी कोई जाँचें हैं वो भी करें, सब जाँचें करें, भारतवर्ष में जितनी जाँचें हैं उतनी जाँचें करा लें, लेकिन मकसद जो इनका है, इनके जो मंसूबे हैं वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि ये धरा जो है उत्तराखंड की, इसमें सच पलता है, परेशान जरूर रहता है, लेकिन जीतता सच ही है। अच्छा सर, ये तो थी जांच, लेकिन क्या लगता है कांग्रेस सरकार बनाएगी? देखो, इस समय उत्तराखंड का युवा, जो कि अपने आप को बेरोजगारी की हवा में देख रहा था, इस बार उनको
पूरी तरह से उम्मीद है कि जिस पार्टी को उन्होंने अपना मतदान दिया है, कांग्रेस पार्टी को, वो सरकार में आ रही है और युवाओं के मुद्दों के साथ, महिलाओं के मुद्दों के साथ और बेरोजगारी मुद्दे के साथ, तमाम महंगाई के मुद्दों के साथ कांग्रेस जनता के बीच में थी और जनता ने उस बात को गंभीरता से सुना। और आने वाले दिनों में जब आप परिणाम देखेंगे तो उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार 10 मार्च को बन रही है और उत्तराखंड में वो सरकार बन रही है जो गरीबों के लिए है, जो युवाओं के लिए है, जो महिलाओं के लिए है। अच्छा सर, आपने जांच को लेकर कहा कि आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्या लगता है कौन लोग हैं जो आपके पीछे अभी भी लगे हुए हैं? वही शक्तियाँ हैं जिन्हें कहीं ना कहीं है। दीपक बिजलवान जो कि महज कम उम्र में जिला पंचायत अध्यक्ष और आज विधानसभा की जो इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने अपनी उम्मीदवारी हमें दी है और आज जनता के आशीर्वाद से हम बनने जा रहे हैं, तो ये परेशानियां तो रहती हैं। और कोई नाम होगा, कोई आपको लगता होगा कोई विरोधी हो? भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार ने इसमें पूरा रखा है और देखिए बीजेपी ने जब से मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बना हूँ तब से और अब तक और लगातार उन्होंने अपना जो भी उनके द्वारा गलत कृत्य थे मेरे खिलाफ वो सब उन्होंने अपनाए हैं, लेकिन उनसे मनसूबे कभी कामयाब नहीं हुए हैं। आप खुद ही सोच लो कि चुनाव से ठीक पहले मुझे हटा देना और फिर मुझे न्यायालय के द्वारा न्याय मिल जाना और जैसे ही आज चुनाव खत्म होते हैं 15 तारीख से SIT जांच बिठा देना। मेरे को अगर इनको ये लगता है कि इन बातों से घबरा जाता हूँ तो उन्हें कह देना चाहता हूँ और भी कोई जाँचें हैं तो उनका आदेश भी कर लो, सब जाँचें करा लो। ठीक है, आप सभी जांचें कराने के लिए तैयार थे। तो ये थे हमारे साथ दीपक बिजवान, जिन्होंने बताया कि यदि राज्य सरकार चाहे तो और कोई जांचें हैं तो वो भी करा ले, उसके लिए भी पूरी तरीके से वो तैयार नज़र आ रहे हैं और इस बार कांग्रेस की लहर होगी और सरकार भी कांग्रेस बनाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सागर बेस के साथ सुभाष कौर, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, देहरादून। तो आप हमारे स्टेट हेड के साथ दीपक विजलवाड़ की बातचीत को सुन रहे थे। वो सीधे तौर पर कह रहे थे कि कांग्रेस सत्ता में आने वाली है और जिस प्रकार की भी जो भी जांच हो करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।